गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, हेलो, ठीक हो सारे? वधिया, तो चलिए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी। हाँ जी, कैसा रहा कल का सेशन? सभी को समझ में आ गया था? किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आई? हाँ जी, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, कैसा लग रहा है आज शाम को क्लास लेके? मज़ा आ रहा है ना? क्योंकि मुझे भी यही था, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की क्या होती है, 11 बजे क्लास होती है, तो मैंने सोचा कि कुछ चेंज किया जाए, शाम को क्लास ली जाए, ताकि पता चले कि हाँ जी, क्योंकि उस टाइम आप लोग क्या होते हैं, फ्री होते हो मोस्टली, तो क्लासेस जो होती हैं वो मोस्टली सुबह दोपहर को 2 बजे तक ही होती हैं, तो उसके बाद क्या होती है, यूट्यूब पे सेशंस होते हैं, तो मुझे ये था कि चलिए बच्चे भी शाम को फ्री होते हैं तो उस टाइम पर क्लास ली जाए। हाँ जी, गुड इवनिंग, आ जाइए जल्दी जल्दी, आ जाइए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। चलिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे है इवनिंग में, तो थोड़ा सा रहेगा कि हाँ किसी तक ये लिंक नहीं पहुंचा या कुछ ऐसा है, तो कोई बात नहीं, आप तक सभी तक लिंक पहुंचा दिया जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो है अभी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सभी को मैं आपको हमेशा एक ही बात कहती आई हूँ, क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आपको देने हैं, ठीक है? तो क्योंकि हमेशा से जो है सभी स्टूडेंट्स की डिमांड रही थी कि मैम हमें मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ही करने हैं, तो आज जो है वो दोनों ही मिक्स हैं, मिडावल एंड मॉडर्न, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ मॉडर्न ही आएगी, मिडावल भी आएगी, तो दोनों को हमने बेस बना के आज क्वेश्चन जो हैं वो तैयार किए हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, और सबसे बड़ी बात, जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दीजिए, जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दो, जिससे कि आप सभी के साथ में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में जो भी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं पीएस टेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसका पोर्शन हिस्ट्री है, उनके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज हम क्लास को शुरुआत करते हैं, लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देती हूँ कि सी टेट की जो फॉर्म फिलिंग है वो क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, आपका जुलाई के अंदर एग्जाम है, तो जल्दी से जल्दी सी टेट की फॉर्म को फिल कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों का सी टेट का जो पेपर है वो क्लियर हो जाए, क्रैक हो जाए। और आप सभी को पता है कि आपके पेपर को क्रैक करने में अरोड़ा क्लासेस की पूरी टीम आपका साथ देगी, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लीजिए और सी टेट के पेपर को क्लियर कर लीजिए, क्लियर? तो चलिए आज के सेशन की, इवनिंग सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जवाब आपके हैं, क्वेश्चन मेरा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है, आप सभी को इसका आंसर बताना है, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग, वेलकम। हाँ जी, ठीक हूँ मैं भी, सारे ठीक हूँ, आप भी बताइए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। हाँ जी, जो स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, और हाँ, अगर किसी के भी कुछ डाउट्स हैं तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे टाइप कीजिए, आपको वहां पे हाथों हाथ आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, क्लियर? तो जल्दी से जल्दी बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो। आपके सामने दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, आपको क्या करना है, मैच करना है कि कौन सी चीज किसने बनवाई थी, क्लियर? समझ में आया? हाँ जी, देखिए आपके सामने एक साइड जो इमारतें हैं वो दी गई हैं, और दूसरी साइड उन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जो इन्होंने इन्हें बनवाया था, तो देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। बादशाही मस्जिद किसने बनवाई थी, एताम दौला का मकबरा किसने बनवाया था, बुलंद दरवाजा और मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, आपको जल्दी से जल्दी मैच करना है। हाँ जी, बिल्कुल सही, ऑनलाइन बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ जी, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, ऑफलाइन जो स्टूडेंट, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। बादशाही मस्जिद लाहौर में किसने बनवाई थी? हाँ जी, स्टूडेंट जो लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, क्यों? क्योंकि ये क्लास में मैंने बहुत बार करवाया है, जब मैंने आपको मिडावल वाला पोर्शन करवाया था, तो याद कीजिए कि जो बादशाही मस्जिद है लाहौर में वो किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। उसके बाद हम बात करते हैं एताम दौला का मकबरा, एताम दौला का मकबरा किसने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। और मोती मस्जिद
आगरा में किसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को जब जहांगीर वाला टॉपिक करवाया था ऑनलाइन, तब आप लोगों को मैंने बताया था कि जो नूरजहां थी उसके जो फादर थे उनका नाम क्या था, ग्यास बेग था। क्या नाम था? ग्यास बेग था। उस ग्यास बेग को जहांगीर ने एताम दौला का टाइटल दिया था। इस वजह से जब नूरजहां एक बार ना क्या होता है, नूरजहां बैठी सोच रही होती है कि जो मेरे फादर हैं अगर वो मर गए तो उनको कौन याद करेगा, कैसे याद करेगा। तो उन्होंने क्या किया, नूरजहां ने कहा कि क्यों ना मैं अपने पिता के नाम पर क्या बनवा दूं, मकबरा बनवा दूं। इस वजह से उसने आगरा में क्या बनवाया था, एताम दौला का मकबरा बनवाया था। इसी के साथ मैं आप लोगों को सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो एताम दौला का मकबरा है वो मुगल काल के अंदर पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत है। बात समझ में आ गई, संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत कौन सी है मुगल काल के अंदर, तो वो कौन सी है, एताम दौला का मकबरा। बिल्कुल सही, ऑनलाइन बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। तो एताम दौला का मकबरा किसने बनवाया था, नूरजहां ने बनाया था अपने पिता की याद में। देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक बेटी जो है अपने पिता के बारे में इतना कुछ सोचती कि मेरे पिता के मरने के बाद उनको याद, क्योंकि जहांगीर अकबर को तो सारे याद करते हैं, सारे याद करते हैं, लेकिन नूरजहां के दिमाग में यह बात थी कि मेरे पिता को भी याद किया जाए। इस वजह से उसने क्या किया था, एताम दौला का मकबरा बनाया और एक ऐसी इमारत बनाई जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई है। और एक चीज मैं आपको एक बता दूं कि एताम दौला का मकबरा पहला ऐसा मकबरा है जिसमें पितृदूरा का यूज किया गया है। किसका? पितृदूरा। पितृदूरा मतलब क्या होता है, क्या होता है पितृदूरा? पितृदूरा का मतलब होता है संगमरमर के पत्थरों पर हीरे से, सोने से, चांदी से जो जड़ावट की जाती है। मान लीजिए संगमरमर का एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर जो हीरे चांदी सोने से जो जड़ावट, मतलब जो मोती वगैरह लगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पितृदूरा कहते हैं। और पितृदूरा पहली बार किसके मकबरे में यूज हुआ था, एताम दौले के मकबरे में यूज हुआ था। क्लियर, बात समझ में आ गई। दरवाजा किसने बनाया था, अकबर ने। जब अकबर ने गुजरात की विजय की थी उस खुशी में उसने क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में किसने बनवाई थी, शाहजहां ने। और बादशाही मस्जिद किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने। तो यहां पे हम आंसर निकालते हैं। देखिए ऑनलाइन पता है क्या होता है, बहुत बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो पहले इस चीज को समझिए कि क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो बादशाही मस्जिद ए का आंसर क्या है, चार है। ए का आंसर यहां पे देखिए, ए का क्या है, फर्स्ट है, तो इसका मतलब तो ये नहीं हो सकता। यहां पे ए का थर्ड है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। यहां पर भी ए का चार है और यहां पे भी ए का चार है, तो क्या ये दोनों ही आंसर सही है? नहीं, इन दोनों में से क्या होगा, एक सही होगा। बिल्कुल सही ऑनलाइन, हां जी बिल्कुल सही दिया आपने इसका आंसर, ए का चार है। यहां पे देखिए एताम दौला का मकबरा बी का क्या है, थर्ड है। यहां पे क्या है, बी का थर्ड है, यहां पे बी का सेकंड है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया और ये आंसर सही हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ऑनलाइन, बिल्कुल सही है, हां जी बिल्कुल, हां जी आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई बात नहीं, अगर आप लोगों का क्वेश्चन गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूं गलत करोगे तभी तो सही करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़े ऑनलाइन, यहां तक समझ में आया आप सभी को। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो देखिए क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर दो जल्दी से जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर ऑनलाइन। Which company was authorized by the Jahangir to set up a factory in Surat? जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अधिकृत किया गया था, मतलब कि जहांगीर ने किस कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। याद कीजिए जब मैंने आपको मिडेवल इंडिया करवाई थी, जब जहांगीर वाला टॉपिक करवाया था, आप याद कीजिए उस टाइम पे जहांगीर के टाइम पीरियड में दो अंग्रेज आए थे, एक का नाम था हॉकिंस और एक का नाम था टॉम्स रो। एक का नाम क्या था, हॉकिंस, और एक का नाम क्या था, टॉम्स रो। हॉकिंस जब आया, हॉकिंस कहां पे आया, आया जहांगीर से मिलने आया, तो उसने जहांगीर से किस भाषा में बात की थी, फारसी भाषा में बात की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की थी, तो किसने की थी, हॉकिंस ने की थी। और हॉकिंस जहांगीर से कहां पे मिला था, आगरा में मिला था। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेज
आया था, हॉकिंस आया था। उसने हॉकिंस कहाँ पे मिला? जहांगीर से आगरा में मिला, और आगरा में उसने जहांगीर से किस भाषा में बात की? फारसी भाषा में बात। लेकिन जहांगीर उससे खुश तो हुआ, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आप लोगों को इसके पीछे कहानी बताती हूँ। जो हॉकिंस आया था वो अकबर से मिलने आया था, ठीक है। अब उसने हॉकिंस ने अकबर को तो देखा ही नहीं हुआ था, तो जब वो जहांगीर के सामने आया आगरा में, तो उसने अकबर के तारीफें करना शुरू कर दिया कि अकबर ऐसे, अकबर वैसे, अकबर। तो जहांगीर कहता है कि जिसकी आप तारीफ कर रहे हो वो तो कब का ही टपक चुका है, वो तो मर चुका है, ठीक है, मैं तो उसका क्या हूँ, बेटा हूँ। तो उसने क्या किया, जहांगीर ने उसको कहा कि आप बहुत अच्छे अंग्रेज हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता। उसके बाद हॉकिंस के बाद में कौन आया? टॉम्स रो आया। टॉम्स रो जहांगीर से अजमेर में मिला, और वहां पर जाकर जहांगीर इससे इतना खुश हुआ कि जहांगीर ने इसको सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि किस कंपनी को, तो कौन सी कंपनी थी वो ऑनलाइन, कौन सी कंपनी थी? बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहा है आपका आंसर, बहुत अच्छी बात है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर दो का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर चार, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की क्या दी थी, परमिशन दी थी, क्लियर। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि द स्टेट विच कुड नॉट बी एनेक्स्ड अंडर द अंसर्वेशन पॉलिसी वाज, हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? पहले तो मुझे ऑनलाइन आप लोग ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हड़प नीति? हड़प आप लोगों को मैंने क्लास में करवाई थी, जब लॉर्ड डलहौजी भारत आया था तो उसने भारत में एक नीति, एक पॉलिसी अपनाई थी जिसे हम कहते हैं लैप्स की नीति। क्या कहते हैं? लैप्स की नीति, जिसे हम कहते हैं गोद निषेध। मतलब कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी राजा मर गया तो उसकी जो पत्नी है वो किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकती। राजा के मरने के बाद उसकी जितनी भी संपत्ति है वो अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगी। बात समझ में आई? तो न हड़पा जाने वाला, आप सभी को पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी गोद लिया था, सतारा ने भी गोद लिया था, और नागपुर ने भी क्या लिया था, गोद लिया था। लेकिन अवध एक ऐसा राज्य था जिस पर करप्शन का आरोप लगाया गया, कुशासन का आरोप लगाया गया। तो हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? अवध था, क्योंकि अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उसके ऊपर किसने, डलहौजी ने आरोप लगाया था कि ये जो है वो जनता का शोषण कर रहा है, जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा है। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो इसका न, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ऑनलाइन, कि न हड़पे जाने वाला राज्य कौन सा था? तो वो कौन सा था? अवध था। क्या था? अवध था, क्लियर। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, शंका क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार की शंका है, तो अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे टाइप कीजिए, आपको वहां पे आपका रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश वाज नॉलेजेबल इन अरेबिक, पार्शियन एंड द बंगाली लैंग्वेज। ऑनलाइन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसके बाद आप लोग जवाब दीजिए कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त, मतलब अंग्रेजी भाषा तो नॉर्मल सी बात है, उसको पता ही होगी, अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का भी जानकार था। उस व्यक्ति को बंगाली भी आती थी, फारसी भी आती थी, और कौन सी, अरबी भाषा भी आती थी। तो इसमें से कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो इन तीनों भाषाओं को जानता था, लैंग्वेज को जानता था? ऑनलाइन जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए, जो भी स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ जी वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जवाब नहीं दिया वो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बैटिक और वारन हेस्टिंग्स। हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑनलाइन क्या हो सकता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो अंग्रेजी के अलावा तीनों भाषाओं को जानता था? बिल्कुल सही, हाँ जी
बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या आएगा? वारन हेस्टिगर। जिन जिन स्टूडेंट्स ने वारन हेस्टिगर आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वारन हेस्टिगर जो था वो 1772 में बंगाल का क्या बना था? गवर्नर बना था। और ये इसकी भारतीय जो इंडियन जो बुक्स थी उसके अंदर इतनी रुचि थी, इतनी ज़्यादा इसका इंटरेस्ट था कि ये हर भाषा को, इसने बंगाली भाषा की बुक्स को भी पढ़ा है, बंगाली लैंग्वेज की बुक्स को भी पढ़ा, फारसी भाषा की जितनी भी बुक्स थी उनको भी इसने पढ़ा है। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था, तो वो कौन था? वारन हेस्टिगर्स था। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर है? समझ में आया दिक्कत समस्या? यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग जो है अपनी मेहनत को, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या आएगा? वारन हेस्टिगर्स आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिप्लेसमेंट ऑफ द रेयतवाड़ी लैंड सेटलमेंट इन मद्रास वाज। मद्रास में रेयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिस्थापक थे। मद्रास के अंदर रेयतवाड़ी जो सेटलमेंट था उसकी स्थापना किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं ऑनलाइन, जल्दी से जल्दी बताइए। जो भी स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी को इसका आंसर पता है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेयतवाड़ी? रेयत मतलब होता है किसान। रेयत मतलब क्या होता है? किसान। तो अंग्रेजों ने एक सेटलमेंट लागू किया, इसके अंदर क्या था? किसानों से सीधा टैक्स लिया जाता था, इसके अंदर कोई भी मीडिएटर नहीं होता था। देखो एक होता है परमानेंट सेटलमेंट जिसमें स्थाई बंदोबस्त जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त के अंदर क्या होता था कि अंग्रेजों ने सारा काम जमींदारों को सौंप दिया था, ठेके पर सौंप दिया था कि जो जमींदार है वो किसानों से क्या लेके आएंगे? टैक्स लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजों ने कहा कि उस किसान से आप 50 रुपए लेके आइए, ठीक है? किसको कहा? जमींदार को कहा। किसको कहा? जमींदार को कहा। अब जमींदार के मन में लालच आ गया, क्योंकि किसान को क्या पता था कि अंग्रेजों ने कितने रुपए कहे हैं। तो उसने, जमींदार ने क्या किया, उससे जाके कितने वसूल कर लिए? 100 रुपए वसूल कर लिए। आज आपने कभी एक जोक नहीं पढ़ा? जोक भी तो है कि स्कूल की प्रिंसिपल ने टीचर को कहा कि बच्चों को कहो कि 50 रुपए लेकर आए, ठीक है? टीचर ने कहा बच्चों से कि घर से जाके कितने रुपए लेके आइए? 100 रुपए लेके आइएगा। बच्चा घर पे आता है, अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मा मेरे को 150 रुपए मंगवाएं, क्योंकि बच्चा 50 रुपए खुद का कमीशन भी तो मांगता है। अब 150 रुपए उसने मांगे, फिर मम्मी ने उसके पापा से कितने? 200 रुपए मांग लिए, मम्मी का भी तो कमीशन है। तो यही तो देखो घर में भी क्या चल रही है, ठेकेदारी चल रही है, जमींदारी चल रही है। उसी तरह से अंग्रेजों ने जब जमींदारों को कहा कि तुम टैक्स लेकर आओ, तो किसानों का क्या हुआ? शोषण हुआ, अत्याचार हुआ। नॉर्मल सी बात है, मान लो किसान के पास 50 रुपए देने को है ही नहीं, वो 100 रुपए कहां से दे देगा? तो जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो उन्होंने नया सेटलमेंट लागू किया जिसे हम क्या कहते हैं? रेयतवाड़ी, जिसके अंदर कोई भी मीडिएटर नहीं होता था, सीधा किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था। बात समझ में आई? तो इस व्यवस्था को किसने लागू किया था ऑनलाइन? हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या हो गया, सभी शांत कैसे हो गए इसका आंसर देने में? बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या आएगा? मुनरो आएगा। क्या आएगा? मुनरो आएगा। मैंने आप लोगों को कल भी क्लास में बताया था, म से मद्रास और म से मुनरो, म से मद्रास और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेयतवाड़ी व्यवस्था को कहां पे लागू किया गया था, तो वो कहां पे था? मद्रास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को अपने जहन में, दिमाग में बिठा लो कि रेयतवाड़ी व्यवस्था कहां पे शुरू हुई थी? मद्रास में। रेयत का मतलब क्या होता है? किसान, आम जनता। और किसने लागू की थी? मुनरो ने। यहां पे एक व्यक्ति का नाम और आता है, कैप्टन रीड। कैप्टन रीड, कैप्टन रीड। बात समझ में आई? दो व्यक्ति थे, कैप्टन रीड और मुनरो। इन दोनों ने ही इस रेयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? किसी प्रकार की दिक्कत समस्या, किसी प्रकार की शंका है तो बताओ जल्दी से जल्दी, आप लोगों को आपके जवाब मिल जाएंगे। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सेपरेट वोटिंग सिस्टम फॉर द मुस्लिम हैज बीन अप्रूव्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में आया है ये। थोड़े टाइम पहले जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था।
था कि निम्नलिखित में से भारतीय सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था मतलब कि वोटिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। याद कीजिए, क्लास में करवाया था मैंने, बहुत क्लियरली तरीके से बताया था मैंने आप लोगों को, एक लाइन बताई थी कि इस टाइम पीरियड में एक ऐसे बीज बोए गए जिसने आगे जाकर एक पेड़ का काम किया, और वो बीज कैसा था, जहर वाला बीज था, और आगे जाकर वो क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया। क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। तो वो कौन सा एक्ट था जिसके अंदर मुसलमानों को अलग से वोटिंग सिस्टम दिया गया ऑनलाइन? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे इतनी खुशी है कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कि भारतीय सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों को अलग से वोटिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई, आपके सामने चार ऑप्शन हैं। बताइए, जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन हैं वो भी बताइए, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, 1909। 1909, देखिए इसके पीछे क्या है मैं आपको बताती हूँ। उस टाइम पे पूछा जाता है कि जब भारत में मुसलमानों को अलग से वोटिंग सिस्टम दिया गया, उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था, तो वो कौन था, मिंटो। कौन था? मिंटो, ठीक है। और भारत का सचिव कौन था? मार्ले। कौन था? मार्ले। कौन था? मार्ले। इस वजह से इस एक्ट को हम मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना ऑनलाइन कि जो 1909 में जो एक्ट आया था जिसमें मुसलमानों को अलग से वोटिंग सिस्टम दिया गया था, उस एक्ट को आप किस नाम से जानते हैं, तो मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जानते हैं। मार्ले उस टाइम पे भारत का सचिव था, और मिंटो कौन था, भारत का वायसराय था। क्लियर, बात समझ में आई? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुसलमानों को कब दिया गया था, 1909 में। कब दिया गया? 1909 में। क्लियर, समझ में आ गया? किसी प्रकार की दिक्कत समस्या, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे इसका आंसर क्या आएगा, 1909 आएगा। आगे बढ़े ऑनलाइन, आगे बढ़े, समझ में आ गया? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहना चाहता है कि whose name among the following was not including in the Swaraj organization in Congress? Congress ने स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता है। कब हुई थी? कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को कहाँ पे? इलाहाबाद में। कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। आप सभी को ध्यान होगा, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब गांधी जी ने रोक दिया था, उस टाइम पर जो कुछ लोग जो थे गांधी जी के विरोधी हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि हम अलग से अपनी ये क्या बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे, तो उस पार्टी को हम क्या कहते हैं, स्वराज पार्टी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है ऑनलाइन, कि जो स्वराज पार्टी के कौन कौन से मेंबर थे, और क्या पूछा गया, नहीं था स्वराज पार्टी का इनमें से कौन सा व्यक्ति मेंबर नहीं था। आप लोग याद कीजिए, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक करवाई थी ऑनलाइन। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया। आप लोगों को वो ट्रिक याद है जो मैंने आप लोगों को क्लास में करवाई थी, कि हकीम ने केला खाया, के केले में से क्या निकला, मोती निकला, और मोती को देखकर मेरा दिल जो, मेरा मन जो है, मेरा जो चित्त है, वो क्या हो गया, खुश हो गया। क्या हो गया? खुश हो गया। तो हकीम मतलब कि हकीम अफजल खां, तो ये तो था स्वराज पार्टी का मेंबर था। हकीम ने क्या खाया? केला खाया। तो कौन था? केलकर। कौन था? केलकर, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया। क्लियर, हकीम ने केला खाया, उसमें क्या निकला, मोती निकला, तो मोती ये भी था। क्लियर, समझ में आ गया। और उसको देखकर मेरा जो चित है क्या हो गया, खुश हो गया, मेरा मन खुश हो गया, तो वो कौन आ गया, चित्रंदन दास आ गया। तो कौन नहीं था? वल्लभ भाई पटेल नहीं था। ऐसे निकालते हैं आंसर। क्लियर, कि हकीम ने, आप लोगों को ट्रिक याद कर लीजिए, आप लोगों को कभी जिंदगी में आप भूलोगे नहीं कि स्वराज पार्टी के मेंबर कौन कौन थे। क्लियर, समझ में आ गया? तो हकीम ने केला खाया, साथ में उसमें क्या निकला, मोती निकला, और मोती को देखकर मेरा दिल खुश हो गया, और स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था, सी आर दास था। क्लियर, समझ में आ गया? सी आर दास की फुल फॉर्म क्या है, चित्रंदन दास। क्या है? चित्रंदन दास। और कब की गई थी, 1 जनवरी 1923 को, कहां पे, इलाहाबाद में। क्लियर ऑनलाइन, समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि स्वराज पार्टी का मेंबर कौन नहीं था, तो वो कौन था, वल्लभ भाई पटेल नहीं था। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ऑनलाइन जल्दी से जल्दी बताइए, बहुत ही नॉलेज का, अगर मतलब अगर मान लीजिए आप लोगों के पास हिस्ट्री भी सब्जेक्ट नहीं है ना, तो भी आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड टू सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत के मुसलमानों के लिए सबसे एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था। मैं आप लोगों को एक ट्रिक देती हूँ, इस व्यक्ति ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलस्ता हमारा, लाखों दुश्मन है इस जहां के लेकिन कोई भी इस जहां को नहीं मिटा पाया। मतलब कि उसने अपने भारत के लिए इतनी इतनी तारीफें की हैं, लेकिन यही व्यक्ति बाद में जाकर एक पाकिस्तान की डिमांड करता है और यही व्यक्ति मुसलमानों के मन में भर देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान जो हैं वो अलग से अपना क्या बनाना चाहते हैं, एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अपना एक देश बनाना चाहते हैं। क्लियर? क्लास में बहुत बार करवाया है, ऑनलाइन मुझे पता है जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री की है, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चंस जो थे बहुत इजी थे, बहुत मतलब आप लोगों ने मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि जो आप लोगों ने मुझसे पढ़ा आप लोग उसको भूल नहीं सकते हैं। तो बताइए कि भारत के मुसलमानों के लिए अलग से एक राज्य की डिमांड करने वाला व्यक्ति कौन था, क्योंकि याद कीजिए जब मैंने आप लोगों को मुस्लिम लीग के बारे में करवाया था तो मुस्लिम लीग में एक व्यक्ति था जिसने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मुसलमान है, जो हालांकि इसने पाकिस्तान नाम नहीं दिया था लेकिन इसने ये बीज बो दिए थे, इसने लोगों के मन में ये भर दिया था कि अब हमें अलग से क्या बना लेना चाहिए, देश बना लेना चाहिए। बात समझ में आई? तो वो कौन था? सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल, इकबाल ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मुसलमान है वो अलग से अपना एक क्या बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? देश। अब उसने इतना तो कह दिया लेकिन नाम नहीं दिया था। नाम किसने दिया था? किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। इसने तो सिर्फ एक बीज बोया था। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधा से एग्जांपल देती हूँ, कई बार घर में कोई चीज़ चल रही होती है, कई बार कहते हैं कि ना अपने घर में क्या ही देते हैं कि मम्मी पापा का मन नहीं लग रहा, इनका ना टाइम पास करना बहुत ज़रूरी है, टाइम पास होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने सिर्फ क्या बोला? टाइम पास बहुत ज़रूरी है। क्या बोला? टाइम पास। अब मैंने ये तो नहीं बोला मोबाइल होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, ये तो नहीं मैंने बोला, लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला कि टाइम पास होना बहुत ज़रूरी है तो लोगों के दिमाग में सारी चीज़ें आ गई कि हाँ टीवी भी होना चाहिए, मोबाइल भी होना चाहिए। उसी तरह से जब सर मोहम्मद इकबाल ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को अलग से एक देश बनाना चाहिए, तो जो चौधरी रहमत अली था उसने कहा कि उस देश का नाम क्या होना चाहिए? पाकिस्तान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाकिस्तान होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? देखो, इसने एक पाकिस्तान, आप सभी ने अगर पढ़ा है तो पाकिस्तान आप सभी को पता है कैसे पढ़ा है? पाकिस्तान शब्द देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो पाकिस्तान जो शब्द है वो कैसे पड़ा है। उसने क्या किया, चौधरी रहमत अली ने क्या कहा कि जहां जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं उसको क्या कर दो, एक देश बना दो। क्या बना दो? देश बना दो। तो उसने देखा सबसे पहले पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर क्या रहते हैं? मुस्लिम रहते हैं। तो उसने पी को उठाया, ठीक है। उसके बाद किसको? अ से अफगानिस्तान। उसने अफगानिस्तान को उठा लिया। उसके बाद उसने कश्मीर में देखा कि कश्मीर में भी क्या रहते हैं? मुस्लिम रहते हैं। उसने के को उठा लिया। फिर उसने देखा इस्लामाबाद में भी मुस्लिम रहते हैं, तो इस्लामाबाद को उठा दिया। बात समझ में आई? उसके बाद उसने सिंध में देखा कि सिंध में भी मुस्लिम रहते हैं, तो उसने सिंध को भी उठा लिया। तान तो अपने आप ही जुड़ गया, क्योंकि हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तान तो अपने आप ही जुड़ गया। तो पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, आई से इस्लामाबाद और एस से सिंध। क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। ये किसने थ्योरी दी थी? चौधरी रहमत अली ने। इसने एक पैम्पलेट दिया था जिसका नाम था नाउ और नियर। नाउ और नियर, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी से हमें पाकिस्तान की डिमांड करनी शुरू कर देनी चाहिए। क्लियर? बात समझ में आई? तो अलग से देश की डिमांड किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। और ये नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। क्लियर? समझ में आया ऑनलाइन?
किसी प्रकार की दिक्कत समस्या अच्छी थी थ्योरी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, समझने की जरूरत है। जब आप लोग समझ जाओगे तो याद अपने आप ही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका आंसर क्या रहेगा? मोहम्मद इकबाल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि जो बच्चे पीएसटेट की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका सरकारी नौकरी पाने का सपना है, जो स्कूलिंग में स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सपना है जो अरोड़ा क्लासेस का टीचिंग प्लेटफॉर्म वो पूरा कर रहा है। पीएसटेट का नया बैच जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आप लोगों को हमारी टीम के द्वारा पीएसटेट की तैयारी करवाई जाएगी। हिस्ट्री पोर्शन आप सभी को मेरे द्वारा करवाया जाएगा। तो जो जो स्टूडेंट आप पीएसटेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। लेकिन अगर आप इसमें मेरा कूपन कोड AC512 यूज करते हैं तो आपको 1500 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस कूपन कोड को लगाइए और 1500 रुपए डिस्काउंट पाइए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैंने क्लास में बहुत बार करवाया है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसके पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत बार करवाया है कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसके पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था, कि वीकन द नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को क्या करना था, कमजोर करना था। हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना था, खंडित, मतलब कि उसको क्या करना था, तोड़ना था। और नए राज्य में हिंदुओं को क्या करना, अल्प, मतलब कि उनकी जो माइनॉरिटी है उसको क्या करना था, करना था, मतलब हिंदुओं की संख्या को, हिंदुओं की मात्रा, हिंदुओं की जो हिंदू जो लोग हैं उनको क्या करना था, कम करना था, और उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द। क्लियर ऑनलाइन? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी खुशी है मुझे, आज ऐसा लग रहा है जैसे इवनिंग में क्लास लेना मेरा सफल हो चुका है, क्योंकि आज आप लोग इवनिंग में नए जोश के साथ क्लास लगा रहे हो और नए जोश के साथ आप नए अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो और सही दे रहे हो बिल्कुल आंसर। बहुत बढ़िया बात है कि बंगाल विभाजन के षड्यंत्र के पीछे इनका उद्देश्य क्या था, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या थे, हिंदू और मुस्लिम थे, तो हिंदू और मुसलमानों में जो नेशनलिज्म की जो भावना थी उसको इन्होंने क्या करना था, ख़त्म करना था, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि अगर ये दोनों एक हो गए तो हम लोग भारत में टिक नहीं सकते हैं। बात समझ में आई? और अंग्रेजों की पॉलिसी भी यही थी, फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। हिंदू मुस्लिम जो एकता जो बढ़ रही थी उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। और जो नए राज्य में जो हिंदू लोग थे उनकी संख्या को क्या करना था, कम करना था। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या आएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर? बात समझ में आई? जो नहीं हो सकता वही तो हमें करके दिखाना है, जो लोगों की नज़रों में नहीं हो सकता, जो लोगों की नज़रों में इम्पॉसिबल है वही तो हमें पॉसिबल करके दिखाना है, क्योंकि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है और दिखाना है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। क्लियर? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हाँ जी, ऑनलाइन क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार किया है आप लोगों ने ये आंसर, बहुत बार बताया है आप लोगों ने। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी करवाई थी, वेरी गुड। आप लोगों को मैंने एक ट्रिक करवाई थी बक मई के नाम से, बक मई के नाम से। पहला कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। दूसरा कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। तीसरा कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। और चौथा कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में। कहां पे हुआ था, इलाहाबाद में। क्लियर? बात समझ में आई? तो देखिए याद कीजिए, स्टार्टिंग कहां से हुआ था, 1885 से, 1886, 1887 और 1888। ये तो आप लोगों को याद है, अच्छे से याद है। तो 1887 में कहां पे, मद्रास में, सही है ये। 1888 में कहां पे हुआ था, इलाहाबाद में, ये भी सही है। उसके बाद 1890 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। बचा क्या, 1892 कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में, ये गलत है। ये कहां पे हुआ था, इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में, बिल्कुल सही। ऑनलाइन बिल्कुल सही। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जो 1887 में जो कांग्रेस का अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता, उसकी प्रधानगी किसने की थी, बताइए किसने की थी प्रधानगी, बताइए। मैं मेरे ओ सी फर्स्ट पार्टी नहीं,
बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। कौन है? जॉर्ज यूले, बिल्कुल सही। जिन जिन स्टूडेंट्स ने जॉर्ज यूले दिया, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। उसके बाद जो 88 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, सॉरी जो मद्रास में हुआ था, वो कौन थे? तैयब जी थे, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और जो दूसरे नंबर पर जो 88 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, उस अधिवेशन के अंदर जॉर्ज यूले, जो कि एक अंग्रेज था। क्लियर? देखिए 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी, वोमेश चंद बनर्जी ने, बिल्कुल सही। फिर 1886 में किसने? दादा भाई नौरोजी, जो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। फिर 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता तैयब जी ने, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर 88 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, किसने? जॉर्ज यूले। मैंने आप लोगों को याद भी करवाया था, यूले ल से इलाहाबाद, ल से इलाहाबाद। फिर 1890 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। और यहाँ पे जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हो रहा है? मुंबई में। इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी ने, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्लियर? बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। आपसे क्या पूछा गया? नहीं है। क्या पूछा गया? नहीं है। तो यही इसका आंसर आएगा। क्लियर? समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। साथ ही साथ जो स्टूडेंट लेक्चरर बनना चाहते हैं, जिनका लेक्चरर बनने का सपना है, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके सपने को पूरा कर रहा अरोड़ा क्लासेस का टीचिंग प्लेटफॉर्म। क्योंकि मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूजीसी नेट हिस्ट्री का बैच, जो रिकॉर्डेड बैच होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही होने वाला है। तो इसकी जो फीस है वो इस तरह से, लेकिन अगर आप इसमें मेरा कूपन कोड AC512 यूज़ करते हैं तो आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी समस्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री विद रितु मैम पे जाइए, वहां पे उसके सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहां पे हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपकी जो क्लासेज हैं उससे रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ जो भी आपके टेस्ट है, डेली PDF है, आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज शाम का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कुछ नया था हमारे लिए, तो हमने कुछ नया किया। क्वेश्चंस भी वही थे, आप भी वही थे, मैं भी यही थी, बस समय बदल गया था। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का आज का सेशन बहुत बढ़िया हो गया, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से जल्दी बताइए कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, जिसने शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने आसपास सफाई रखिए। और सबसे बड़ी बात, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।